हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले फ्राइड राइस जो कि हम सुबह के चावल बचे हुए थे उससे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और यहाँ पे मैंने उसमें डाल दिया है एक चम्मच तेल, जो कि आप कोई भी तेल ले सकते हैं। यहाँ पे हमने मूंगफली ली है और उसको सबसे पहले हमें तल लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, आप देख सकते हैं, और इसको निकाल देना है मूंगफली को। अब डालेंगे हम यहाँ पे ज़ीरा और राई, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी सौंफ। राई, ज़ीरा और सौंफ डालने के बाद हमें यहाँ पे डालना है लहसुन। लहसुन की हमने यहाँ पे लगभग 12-13 कली ली है, क्योंकि फ्राइड राइस में लहसुन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो 12-13 कली हमने यहाँ पे लहसुन की ली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मिर्ची ली है, जिसको मैंने बीस से कट किया है सिर्फ। आप वैसे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस तरह से, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको हमें अच्छे से डाल देना है, और प्याज डाल देना है जिसको बारीक हमें काट लेना है, और इसको अच्छी तरह से मिला देना है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह से जब तक हमारी प्याज होती है, जो आलू हमें कट कर लेना है बारीक, और उसको धुल के इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है और इसको भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको अभी हम चला देंगे। चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से क्या होगा, जो हमारे आलू हैं ना, वो जल्दी पक जाएंगे, क्योंकि नमक डालने से जल्दी पक जाएंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक, और अब हम थोड़ा सा इसको चला देंगे, और कुछ एक दो मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। एक मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे जो आलू हैं पक के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पक गए हैं हमारे आलू जो हैं काफ़ी हद तक। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो अभी हमें इसमें डालना है एक आधा चम्मच, हमने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये रेड चिली पाउडर, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला, ये भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। अब मैगी मसाला डालने से ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हमने डाला है थोड़ा सा मैगी मसाला पाउडर, और अब डाल देंगे हम मूंगफली जो कि हमने तल के रखी हुई थी, इसको भी ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और जो हमारे राइस बचे हुए थे उसको हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और अलग अलग कर लेंगे, और इसको भी हम डाल देंगे, और इनको हमें अच्छी तरह से अब चला देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, जिससे वो राइस पूरे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये चावल जो हैं खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं, आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी इस तरह के चावल बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, खाने में भी बना सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और ट्राई करने के बाद अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो राइस हैं काफ़ी हद तक अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मिक्स नहीं हुए, अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हरा धनिया डाल के, और हमारे जो राइस हैं खाने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल ज़रूर ट्राई करना, और अपने फीडबैक ज़रूर देना, आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।